पहले तो दिलीप सेन साहब को बहुत बधाई हो, हमारे 90s के सुपर हिट संगीतकार जो दोबारा से फिर अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में, प्लस आज की जो जेंजीज है उनको अपने दिल में रख के दिल की बातें जो लेकर आ रहे हैं, मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये गाना 90s वालों को भी पसंद आएगा, 2000 वालों को भी पसंद आएगा, और जेंजीज को भी, आज के जो जेंजीज है जो, उनको भी पसंद आएगा। और हमारे इस बात के लिए मैं सुनील काले साहब और श्रेय काले साहब जो एम प्रकाश जी, और एम प्रकाश जी जो गीतकार है, उनको और पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। संगीत और संगीत जो है, संगीत शक्ति है ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम, रागी जब सुनाए रागिनी रोगी को मिले आराम। डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर आपको जल्दी ठीक होना है और नेचुरल थेरेपी से ठीक होना, जल्दी ठीक होना है, तो आप मेलोडियस म्यूजिक सुनिए, खासकर 90s का सुनिए, 90s के गाने सुनिए तो आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन कमाल ने पिछली बार 90s के गाने सुने तो बीमार और पड़ गया था, और बीमार हो गया था। मैंने कहा क्यों, तूने 90s के गाने सुने? बोले हाँ, रिमिक्स सुन लिया था 90s का। तो आप ओरिजिनल गाने सुनिए, 90s गाने सुनिए, असली गाने सुनिए, और उसी फ्लेवर के हमारे सुधाकर शर्मा साहब या दिलीप सेन साहब की टीम के से गाने आते हैं तो जरूर सुनिएगा। मुझे, मैं संगीत का एक छोटा सा भक्त होने के नाते, फैन होने के नाते, मैं ये बात बड़ा मुँह छोटा मुँह बड़ी बात कहना चाहूँगा, आपको जरूर, आप अपना टेंशन तो भूल जाएंगे, दुख तकलीफ भूल जाएंगे, और फिर एनर्जी आ जाएगी ताकि आप हर दुख पे वार कर सके, और आपका आप चेहरे पे आपके हमेशा खुशी और एक ऊर्जा नजर आएगी। ये मैं जरूर कह सकता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है दिलीप सेन साहब का संगीत में, और हमारे तमाम टीम के, और खासकर सुधाकर साहब के गाने तो आप सुनते रहते हैं। तो यही मैं कहूँगा कि सुनते रहिए, सुनाते रहिए, 90s के और आज के गानों को अगर मिक्स करके करेंगे तो बहुत बढ़िया लाइव बन जाएगी। बधाई मन की बातों के लिए मैं ये कहना चाहता, मन दिल की बातें, दिल की बातें दिलीप जी जाने, 90s के ये हैं जाने पहचाने, मेलोडी है, स्वीटनेस है, सारा मसाला है, तो आप भी इसको सुने सुनाए लोगों को भी बताए। किशोरदा का गाना, किशोरदा का गाना, किशोरदा के बंदे से भी सुन जाए, सुधाकर शर्मा जी से बिना शर्माए सुन जाए। लोगों का बहुत ही धन्यवाद कहूंगा कि आप सब इतनी तादाद में आए, वसीम साहब को भी धन्यवाद कहूंगा, मेरी बेटी नजमा को भी। पंचम प्रोडक्शन से ये गाना रिलीज हुआ है, सर पंचम से, और मैं आपको बता दूंगा कि पंचम दा हमारे इंडस्ट्री के एक ऐसे पायनियर म्यूजिक डायरेक्टर थे जिन्होंने पूरे संगीत को मेलोडी के साथ उन्होंने चेंज भी किया और स्टाइल भी चेंज की। आज का भी म्यूजिक बहुत अच्छा है, मगर उस वक्त का जो एरा था म्यूजिक का, मैं समझता हूँ कि वो दौर ही कमाल था, कि एक तरफ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, एच डी बर्मन, कल्याण जी, आनंद जी, अपना सलील चौधरी साहब, एच डी बर्मन साहब, सब लोग थे। तब इनका एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ सुनील जी। जब एम प्रकाश जी को पता चला कि गाना करना काले साहब को, तो काले साहब उनके भक्त हैं आर डी बर्मन जी के, तो इन्होंने आके, जैसे अमूमन आता है सिंगर, पहले तो इनकी तारीफ की कि भाई इतने बड़े ऑफिसर है वगैरह वगैरह, तो हम वैसे ही डर गए, मैं बोले यार इतना बड़ा ऑफिसर है कैसे गाएगा, मगर जब तक मैंने इनको सुना नहीं था, तो इन्होंने कहा कि सर मैं म्यूजिक तो आपसे लूंगा, पर मेरी एक शर्त है कि म्यूजिक अंदाज मेरा होना चाहिए। तो मैं बोला सर मैं अंदाज तो अच्छे गाने, मेलोडी गाने आपको चाहिए और क्या चाहिए? बोले नहीं, मगर मैं इस एरिया का चाहता हूँ। तो मैं खामोशी से एक्सेप्ट करके चुप हो गया, मैं बोला करूँगा। फिर आप यकीन मानिएगा, एक दिन इन्होंने, मैं जब गाने सब बना रहा था तो इन्होंने मुझे, मैं गाने कंपोज करके कुछ एक दो गाने भेजे इनको, फिर अचानक इन्होंने मुझे वीडियो कॉल किया। तो वीडियो कॉल किया, शाम का वक्त था, मैं गाने पे ही था, मैं एम प्रकाश जी लगे हुए थे। वीडियो कॉल में मैंने देखा तो इनका करीबन कम से कम 40x40 का हॉल, जिसमें आर डी बर्मन जी की बहुत बड़ी फोटो लगी हुई, सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए। मैंने कहा दिलीप सेन यार ये तो फंसा के चला गया, हम बंदा काम अपने को करना भी है, और जिनको हम जीनियस मानते हैं, जिनको मैं स्कूल मानता हूँ, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, एच डी बर्मन, आर डी बर्मन, तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर इनसे मैंने एक वादा किया, इनसे भी वादा लिया, मैंने कहा एक बात करिए, ऑर्केस्ट्राइजेशन तो मैं पूरा आर डी बर्मन का करूँगा, और मेलोडी जो हमारी दिलीप सेन समीर सेन की है, जो जिसकी वजह से आज तक हमको लोग पहचानते हैं, जाने जाते हैं हम दिलीप सेन, तो बोले ठीक है, तय हो गया। फिर हम एम प्रकाश जी के साथ बैठे, एम प्रकाश जी ने फिर उस गानों के ऊपर हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की,
और आप यकीन मानिए सात गाने हैं, सातों गानों में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ मिली हुई कोई मतलब मिलावट वाले गाने, सारे गाने नए फ्लेवर में मिलेंगे सुनने को। और सुनील काले साहब ने जब इसको अपनी आवाज दी तो आप यकीन मानिएगा किशोर दा रफी साहब का जो थ्रो है, एक सिंगर का जो थ्रो होना चाहिए जिसको हम स्क्रीन की वॉइस बोलते हैं, तो बाकायदा वो जब थ्रो सुना मैंने बोला यार ये तो स्टार की वॉइस है। मैंने फिर इनसे वादा किया, मैं बोला सर एक से कंपोजिशन, तो आज ये सातों के सातों गाने बहुत प्यारे बने हैं। और ये मेरी लाडली बिटिया है तरन्नुम मलिक जी, और साधना जी ने भी इसमें गाया है, और प्रमिला जैन ने भी गाया है। अभी वो दोनों कलाकार शायद आने वाले होंगे या कहीं फंसे हुए होंगे क्योंकि ट्रैफिक है, ये भी 7:30 बजे आने वाली थी अभी आई है। तो मैं इनसे ये कहूँगा क्योंकि जब बात आई सिंगर की कि भाई नया सिंगर चाहिए कैसे चाहिए, तो मैं बोला देखिए जब फ्लेवर पुराना साथ मेरा दे रहे हो तो मुझे सिंगर भी मेरे जैसे दो। तो इसे मेरी बिटिया ने बहुत प्यारा गाना, वैसे तो सुपरस्टार है ये आज की, तो ये सारा एक गुलदस्ता जो है सबकी मेहनत से बहुत प्यारा गुलदस्ता बना और बहुत ही मेलोडी गाने बने। मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और मैं चाहूंगा तरुण जी दो शब्द आप बोल दीजिए। आपने जब सब बोल ही दिया तो मेरे लायक तो कुछ छोड़ा ही नहीं। वैसे दिलीप जी की आदत भी है कि वो किसी के लिए कुछ छोड़ते नहीं है, उनका बस चले वो सारा इंटरव्यू एक्टिंग भी वो कर ले, लिरिक्स भी वो लिख ले, गा भी वो ले। लेकिन थैंक यू सो मच कि क्योंकि मैं दिलीप जी के लिए आई थिंक मैक्सिमम गाने मेरे को मेरी चौथी पीढ़ी के लिए गाया, बिल्कुल उनके लिए भी गाया, और सेन परिवार तो मेरी मेरी फैमिली जैसी है। मतलब ये पहली सिंगर है जिसने दूसरी तीसरी चौथी तीन पीढ़ियों के साथ काम किया, और हमारे साथ भी किया और मेरे पोते सोहेल सेन जी के साथ भी काम किया। इसका एक गाना टाइगर एकता टाइगर का संयारा काफी हिट हुआ, और अभी हाल ही में इसका वो कौन सा ढोलीड़ा करके जो गाना आया था गंगूबाई का, वो भी बहुत सुपर हिट हुआ, अभी भी बहुत बड़े बड़े गाने गा रही है, और अभी मेरे पोते के साथ और बड़े बड़े काम कर रही है, और इसमें इन्होंने अपना पूरा योगदान दिया हमें, तो मैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं हमेशा मुझे बहुत ही एक तो मजा आता है इनके कॉम्पोजिशन का, क्योंकि मुझे वो एरा याद आ जाता है जब वो लता जी आशा जी इन सबको गवाते थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसी एरा में वापस आती हूँ, फिर वापस नए एरा में आती हूँ। तो उनके इतने सारे फ्लेवर्स हैं, इतने सारे रंग हैं, आप इस इनफैक्ट इसी में अगर आप सुनेंगे तो बहुत सारे फ्लेवर्स आपको भी मिलेंगे, क्योंकि मैंने एक थोड़ा सेंसुअस गाना गाया है और वो गा के भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इनके कुछ गाने जब वो मुझे एक्ट करके बताते हैं तो मुझे और मजा आता है, तो इसलिए मैं और मस्ती से गा पाती हूँ। क्या चाहिए था कि एक एल्बम बनाए, पापा गाना भी लिख रहे थे और एम प्रकाश जी के वजह से हमको एक था कि पूरा नेचुरल म्यूजिक बने। आजकल का जो जमाना है जो इलेक्ट्रॉनिक्स सब इंस्ट्रूमेंट बनता है, अरेंजिंग कंप्यूटर पे बनता है, तो आजकल दिलीप सिंह जी सर के जैसे बहुत कम लोग हैं जो हारमोनियम पे म्यूजिक बनाते हैं, पूरा नेचुरल रखते हैं। तो पूरा क्रेडिट सर का है जो सात गाने बने हैं, तो सर ही बात करेंगे पूरा। ये बिल्यू म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर से पूरे 350 प्लस प्लेटफॉर्म पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 13 सितंबर को होगा पूरा ये ऑडियो प्लेटफॉर्म पे, और वीडियो भी आएगा यूट्यूब पे। बहुत अच्छा था। एक सेकंड प्लीज, ये जरा सर ने आरडी जी का रिदम रखा और अपनी जो मेलोडी है जिसके लिए सर फेमस है वो किया। मैंने जिंदगी में बहुत कम लोग देखे हैं जो हारमोनियम पे बजा के गाना अरेंज करते हैं। अभी ये सिस्टम खत्म होने जा रही है, ये जो बजाने वाले ये आदमी भी कम होने जा रहे हैं। आज हमारे प्रोग्राम में हमने ओरिजिनल गिटारिस्ट अनिल सालजकर जी, नरेंद्र सालजकर जी, श्याम भाई अड़वंकर जी जो पर्कनिस्ट है उनको भी बुलाया आज। गीतकार जो है अभी बचे नहीं है ज़्यादा, ऐसा है। और ये अपने जीतू ठाकुर साहब आए हैं, हारमोनियम कौन बजाता है आजकल, उनका पूरा टीम ओरिजिनल गाने में जिन्होंने बजाया है उनका सत्कार करने के लिए हमने खास करके उन लोगों को भी बुलाया है। आज हमारा रिलीज है लेकिन ये जो लोग है ये अभी ये एक काम ही नहीं होता ओरिजिनल काम, अभी जो होता है सर गाने आते हैं जाते हैं कंप्यूटराइज, हाँ, लेकिन पुराना गाना आए तो हम सबकी जो 50 के ऊपर है उनको पिक्चर का नाम मालूम है, प्रोड्यूसर मालूम है, गीतकार मालूम है, संगीतकार मालूम है, नट नटी मालूम है, साल मालूम है, गाने पाठ है उनको, गाना पहले से आखिर तक मालूम है, गाने की धुन मालूम है,
लेकिन ऐसा आजकल नहीं रहा। तो मैं 2010 से मैं मेरा लड़का इसमें काम करते हैं, हमने सोचा कि अगर जो पुराने गाने लाने हैं तो दिलीप सेन जैसा आदमी नहीं है, हमें उनको कॉन्टेक्ट किया, उनको रिक्वेस्ट किया और ये 7 गानों की धुन उन्होंने आरडी जी का रिदम रखा है, अपनी मेलोडी उसमें ऐड की है और एक अच्छे से गाने बनाए। साधना सरगम जी, तरन्नम जी और पमेला जैन जी ने उनके साथ दिया। इसमें 3 ड्यूएट्स है और 4 सोलो है, उसमें से 5 प्रकाश सर ने लिखे हैं, 2 मेरे हैं, सुधाकर शर्मा जी हमारे साथ है और भी हम आगे काम करेंगे सर के साथ। आज आप सबका हम आभारी है और अच्छा लगा आप सबसे मिल के। एक दिलीप सेन जी और बाजू में सुधाकर शर्मा जी, जिनके वजह से बॉलीवुड में मैंने एंट्री की। पहले सुधाकर शर्मा जी, उन्होंने गीत कैसा लिखना है क्या करना है उन्होंने सुनाए, बाद में दिलीप जी ने पूरी लिफ्ट दी 12 साल तक। और मैं इसीलिए दिलीप जी का बहुत शुक्र गुजार हूँ, उन्होंने मुझे ये लेवल तक लाके मेरे साथ काफी फिल्में की। इन्होंने गुड्डू धनवा की गुलाबी की थी मराठी पिक्चर, उसका काफी सुपरहिट हुआ। फिर उसके बाद में हम लोगों ने भाग्य विधाता की रामनगर यूपी फाइल रिलीज हुई हमारी, टोकन लेटेस्ट टोकन जो इनकी थी ना, अपना अनुप जलोटा जी की, उसमें भी इन्हीं के गाने थे। तो यूं समझिए कि काफी काम किए, मगर अब मुझे लगता है कि जो म्यूजिक अब तक मैं करता आया, क्योंकि फिल्मों में तो ज़्यादा डर लगता नहीं है क्योंकि उसमें हीरोइन होती है, हीरो होता है, तो उस पर हम डाल देते हैं कि जैसा भी वो हम लोग पिछड़ा। बट जब आप कोई एल्बम बनाते हैं तो उसमें आपको अरेंजमेंट से लेके शब्दों से लेके गायकी तक का ध्यान रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब तक पिक्चराइजेशन तो आप देख के जजमेंट ले लेते हैं गाना हिट है या फ्लॉप है, मगर सिर्फ कानों को सुन के उसको हिट करना ये बड़ी बात होती है। तो मेरे लिए काफ़ी चैलेंज रहा, जिनमें इन दोनों ने मेरा बहुत साथ दिया और मैं ये बच्ची ने बहुत साथ दिया स्टारों ने, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि फिल्म लाइन में हमारी जैसे चौथी पीढ़ी, आपको मैं बताते ही आया हूँ कि 4 पीढ़ियों से हम लोग काम कर रहे हैं और अब तक कर रहे हैं, मतलब 1935 से लेके 2024 तक। तो ये बहुत बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट सॉन्ग लगा दीजिए। और आपकी आवाज तीसरी पीढ़ी जो देखने जाएगा, इस तरह का जादू जो है, शक्ति होता है, जादू का म्यूजिक होता है, ये जो 2010 से हम ये काम कर रहे हैं और जो हमके हमारे मन को भाया है वो दिलीप सेन ने हमको ये फिर से दिया है दोबारा। ये 7 गानों का जो अरेंजिंग है, उन्होंने हर गाने के लिए 3-4 ट्यून बनाई और हमने डिस्कस करके ये किया। सर को भी ये अचंभा लग रहा था कि ऐसा कौन आदमी है कि जिसको पुराने ही गाने का स्टाइल चाहिए, तो उन्होंने हमको खुद मिलने के लिए बुलाया। कार्य एम प्रकाश से गाने नहीं लिए, हम बैठे ये बोले कि तुम्हारा डिमांड क्या है। वो जब सुना सर ने तो हमने सुना कि पुराना एरा गया है, अभी नए गाने आते हैं जाते हैं, लेकिन हमको जो अच्छा लगा है वो रिप्रेजेंट तो हम करते ही है पुराने गाने, किशोर जी के साहब के, रफी साहब के, मुकेश जी के, लेकिन हमको ऐसे गाने बनाना है जिनका पुराने गाने से उनका सिमिलरिटी हो। तो उन्होंने वैसे ही धुन दी है। आपने अभी सभी 7 गानों का मुखड़ा अंतरा कुछ सुना है, आपको भी लगा होगा कि हम जो बात करते थे वही उसमें बात है, आपको अच्छा लगा इसलिए आपने भी उसको। यस, थैंक यू सर जी, ये सब चमत्कार दिलीप सेन जी का है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अरेंजिंग आज कम हो गया है, क्या बोलते हैं उसको, अरेंजमेंट जो है नहीं, प्रोग्रामिंग होता है ज्यादा। ओरिजिनल बात देखिए, हमारे जो लोग आए हैं, हमारे मित्र लोग आए हैं, उनको भी हम आपके सामने पेश करेंगे 2 मिनट में। और ये जो हम प्यार करते हैं पुराने गानों पे, पुराने इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो बजाना, अब मैं आपको क्या बोला कि अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। मैं क्या बोला कि मैं चंद्रशेखर गाड़गे सर को देखा जो हारमोनियम पे गाना निकालते थे, एक ही 2 लाइन के 4 धुन बनाते थे, ऐसे दिलीप सेन जी को मैं दूसरा आदमी देखा कि जो ये अभी हमने भी पुराने फोटोज में, पुराने वीडियोज में एस टी बर्मन को, आर डी बंद जी को देखा है, कल्याण जान जो देखा है कि हारमोनियम लेके बैठे, ऐसा एक ही आदमी आज हमको दिखता है, अनूप जलोटा साहब दिखते हैं हमको, लेकिन उनके गाने वो बजाते हैं। दिलीप सेन जी नया गाना अरेंज करते हैं, नया निर्मिति करते हैं और हम अपने को सब लोगों को अच्छा लगता है। आ जाने चाहिए,
हमने अभी जो हम 50 साल के हो गए, 60 साल के, हमको जो लगता है कि हम बचपन से जो गाना सुना था आज तक भूले नहीं, लेकिन आज का गाना कल हम भूलते हैं, इसमें कुछ किधर तो चेंज होना चाहिए, इसलिए पुराना गाने आए, मेलोडियस गाने आने चाहिए। युवा पीढ़ी का अभी क्या है, जो उनको हम सप्लाई कर रहे हैं वो सुन रहे हैं, इनको जब ऐसे भी गाने जाएंगे तो आपको लगेगा कि नया पीढ़ी भी पुराने गाने स्टाइल से सुनती है। जी जी, वीडियो भी यूट्यूब पे आ रहा है, 13 तारीख को जो ऑडियो जब रिलीज होगा तो उसके 2 दिन के बाद यूट्यूब भी रिलीज होगा, उसका भी वीडियो रिलीज होगा। नहीं पूरा लिरिकल वीडियो है, वीडियोग्राफी वगैरह कुछ नहीं है। अब सबकी दुआ से अगर मौका मिला, सब मौका मिला तो वो भी करेंगे सर। क्या बात है, क्या बात, सरप्राइज देंगे अभी। थैंक यू सर। सर बचपन से जो मैंने सुना मुकेश जी, रफी साहब जी और किशोर कुमार जी, लेकिन बाद में चंद्रशेखर गाड़गे सर जब मिले तो बोले कि तेरे आवाज में थोड़ा किशोर जी का टच है, तो 2010 से मैं आज तक खाली किशोर कुमार ही गाया, किशोर दा ही गाया आज तक। नहीं, हमने मैक्सिमम हमारे 90% गाने आरडी बर्मन, एसी बर्मन के रहते हमारे शो में 2010 से आज तक 14 साल में, तो इसलिए उनको घर में हमने रखा है, उनको पूजा करते हैं उनकी। स्वर पंचम रखा है, स्वर है आशा, लता और किशोर कुमार का, हमारे हिसाब से। थैंक यू। अभी तरुणम जो है तो हम गोरी जरा सुन ही करेंगे। गोरी जरा सुन, ख्वाब में मैंने देखा तुझको रात भर, साथ दूंगी मैं उम्र भर, सनम खाए कसम मिलते रहेंगे सात जन्म। गोरी जरा सुन, ख्वाबों में मैंने देखा तुझको रात भर। थैंक यू सर जी। सनम तुझे साथ दूंगी मैं। Thank you.